नमस्ते नमस्कार होला हेलो जो कह रहे हो तो आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। फिलहाल अभी आज खाने बनने वाला है पनीर। पर पनीर मैंने कट कर लिया है और अब इसकी रेसिपी हम लोग देखेंगे। आज जो है कि प्याज लहसुन के बिना ही ये सब्जी मुझे आज बनानी पड़ेगी क्योंकि आज हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाएंगे क्योंकि आज अमावस्या है और इसीलिए तो भाई फटाफट से खाएंगे अभी सीधा पनीर। ये देखिए अब इसको पनीर को अब मैरिनेट करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ये है कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। इसके बाद पनीर को इसमें ऐड करके मैरिनेट करेंगे। ऊपर से थोड़ा बेसन भी डालेंगे जिससे पनीर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा करके हम आपको दिखाते हैं और इसमें थोड़ा हम बेसन भी डाल देंगे ताकि ये इसकी बाइंडिंग जो है अच्छी तरह से हो जाए। ये देखिए और फिर पैन में थोड़ा सा तेल डाल के हम पनीर को हल्का हल्का सुनहरा सॉटे कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल देंगे, सरसों का तेल देंगे कढ़ाई में। दो छोटी इलायची और जीरा इसको तड़कने देंगे थोड़ा सा। दो लाल मिर्च सूखी और ये हमने एक टमाटर बस और थोड़ी सी अदरक इसको पीस लिया है और इसको तेल में डालेंगे। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच के करीब पिसा जीरा हमने दे दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये देखिए इसका कलर। यहाँ पर मैंने दही को फेंट लिया है और एकदम धीमी आंच में हम दही को डालेंगे ताकि वो फटने ना पाए। ये आप एक काम करिए कि गैस को बंद करके तब दही को डालिए, लेकिन इससे पहले थोड़ी चुटकी भर हींग हम डालेंगे। ये दही हमने डाल दिया है, देखिए देख सकते हैं। ये करीब एक कटोरी के करीब दही है। फिर गैस को ऑन कर देंगे हम धीमे आंच में। गैस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी आप लोग दीजिएगा स्वाद के अनुसार, क्योंकि मैं भूल गई थी थोड़ा। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। ये जो पनीर हमने सॉटे करके रखी थी इसको अब इसको इसमें डाल देंगे। मलाई डाल देंगे थ्री या घर की मलाई जो भी हो। बैलेंस करने के लिए पनीर को थोड़ा सा हम इसमें चीनी देंगे, कम आधी चम्मच बिल्कुल। बस आप चाहे तो शहद भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी सही रहेगा। कलर देखिए आप, ये देखिए
बस अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, करीब एक कटोरी। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और बस ये तैयार है। तो भाई आपको ये कुकिंग वाला व्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहो, मौज करो, मस्ती करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में।